नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रियो ओलंपिक में इतिहास रचने के बेहद करीब शटलर पीवी सिंधु, फाइनल में गोल्ड के लिए जान लगा देने का किया दावा। अभिनव बिंद्रा के गोल्ड के सफर को आगे बढ़ाने की जताई इच्छा। रियो ओलंपिक में मुकाबले से पहले ही खत्म हुआ भारतीय पहलवान नरसिंह यादव का सफर, डोपिंग के कारण लगा 4 साल का प्रतिबंध। आज होने वाले पहले मैच से पहले ही छोड़ना होगा खेल गांव। कश्मीर में एक लेक्चरर की मौत से बिगड़े हालात, स्थानीय लोगों से सेना पर लगाया हत्या का आरोप। सेना के अधिकारियों ने मामले की जांच कराने के दिए निर्देश, पुलिस ने दर्ज किया FIR। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कश्मीर मामले में बातचीत की पेशकश को ठुकराया। POK को खाली करने की मांग की, आतंकवाद पर बातचीत का रखा प्रस्ताव। और बिहार के गोपालगंज में 25 पुलिसकर्मी निलंबित, इलाके में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद पुलिस महकमे ने किश कार्रवाई, पुलिसकर्मियों पर लगा ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। रियो ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बाद रोमांचित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा है कि वे देश के एकमात्र ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के सफर को खत्म करने को लेकर उत्सुक है। विश्व चैंपियनशिप की 2 बार की कांस्य पदक विजेता सिंधु ने कल 49 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की ऑल इंग्लैंड चैंपियन नोजोमी अकुहारा को 21-19, 21-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु आज शाम फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीय स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी। सिंधु ने कहा कि मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है और मैं अपनी जान लगा दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने हर बार कड़ी मेहनत की है। सभी का लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना होता है। एक और मैच बचा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है। रियो ओलंपिक से भारत के लिए एक बेहद ही बुरी खबर आई है। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव पर डोपिंग की वजह से 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही पहलवान नरसिंह रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ब्राजील के केस की एक अदालत ने करीब 4 घंटे लंबी बहस के बाद यह फैसला सुनाया कि नरसिंह पर बैन लगा दिया गया। CAS ने नाडा के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके खाने या पीने में मिलावट की बात सही नहीं है। अदालत ने नरसिंह के उस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि उनके साथ साजिश हुई है, क्योंकि इसे साबित करने के लिए नरसिंह यादव के पास कोई सबूत नहीं है। इसी तर्क को देखते हुए नाडा ने उन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। रियो ओलंपिक में उन्हें कुश्ती के 74 किलो भार वर्ग के मुकाबलों में आज ही हिस्सा लेना था। अब नरसिंह को आज होने वाले पहले मैच से पहले ही ओलंपिक खेलगांव छोड़ना होगा। कश्मीर में एक लेक्चरर के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का आरोप है कि आर्मी के लोगों ने उसे मारा है। ये लेक्चरर उन लोगों में से हैं जिन्हें आर्मी ने बुधवार को हिरासत में लिया था। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने आर्मी के कुछ लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। वही हंगामा होने के बाद कल आर्मी की तरफ से खेद भी जताया गया है। इसके साथ ही आर्मी ने भी जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। ये मामला पुलवामा जिले की खेरू जगह का है। इसके साथ ही एक दूसरी घटना में आर्मी ने एक एम्बुलेंस पर पैलेट गन से हमला किया। उस एम्बुलेंस में एक मरीज भी था। हमले में गुलाम मोहम्मद शोफी, जो बस का ड्राइवर था, वह जख्मी हो गया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को लिखे जवाबी खत में पाकिस्तान से POK खाली करने की मांग की है। कश्मीर पर बातचीत के प्रस्ताव को खारिज करते हुए भारत ने प्रस्ताव रखा कि आतंकवाद पर बातचीत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में हालात उसी की वजह से खराब है। भारत ने अपनी जवाबी खत में लिखा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक और हिंसा खत्म करे और उसे फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। भारत ने साफ किया कि सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अरुण जेटली के जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अपने पाकिस्तानी समकक्ष की कश्मीर पर बातचीत की पेशकश के जवाब में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और घाटी में हिंसा और आतंकवाद को उकसाना देना बंद करने पर
केंद्रित होनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ज्वाइंट करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह सुबह ट्वीट किया, क्या नवजोत सिद्धू जी आप में शामिल होंगे? इसको लेकर कई अफवाहें हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस और हमारा पक्ष रखूं। हमारे मन में सिद्धू जी के लिए बहुत सम्मान है। वे पिछले हफ्ते मुझसे मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जुड़ने की बातचीत खटाई में पड़ती देख कांग्रेस ने भी उनके लिए बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पूर्व बीजेपी सांसद सिद्धू को आप में जुड़ने से जो कुछ मिलता वो उन्हें उससे ज्यादा देने को तैयार है। पिछले ही महीने बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके सिद्धू के आप से जुड़ने की बात कमोबेश पक्की मानी जा रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते सिद्धू ने जब केजरीवाल से उन्हें राज्य में सीएम पद के लिए आपका उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की तो ये बातचीत खटाई में पड़ गई। सूत्रों ने साथ ही बताया कि 52 वर्षीय सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर के लिए भी पार्टी से टिकट मांगा। कौर फिलहाल पंजाब में बीजेपी की विधायक है, लेकिन उनके भी जल्द ही आप में जुड़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को केजरीवाल सरकार की शिकायत उपराज्यपाल से की है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद कई मंत्रियों ने बिना कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए विदेश यात्राएं की है, जो कि नियम के विरुद्ध है। ऐसे में टूर में आने वाला सरकारी खर्चा मंत्रियों की जेब से वसूला जाए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सरकार बनने के बाद कई मंत्रियों ने विभागीय स्टाफ के हेड और तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ विदेश यात्राएं की हैं और ये सारी यात्राएं बिना उपराज्यपाल से परमिशन लिए की गई है। ऐसे में ये सारी यात्रा नियम के विरुद्ध माने जाएंगी। विजेंद्र गुप्ता ने आगे बोला कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन से पैसा वसूला जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में सत्तासीन शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपालों की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि राज्यपाल का पद राजनीतिक विचारों के कबाड़ खाने में पड़े लोगों की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है। राजभवन का ब्रांड बदला शीर्षक के साथ आज छपे संपादकीय में पार्टी ने लिखा है कि राज्यपाल नियुक्ति के बारे में जो कुछ कांग्रेसी शासन में घट रहा था वही सब मोदी शासन में भी घटित हो रहा है। सिर्फ ब्रांड बदल गया है, राज्यपाल का मतलब जनता के पैसे पर पलने वाला सफेद हाथी है। शिवसेना के मुताबिक राज्यपाल नायब राज्यपाल पद के कारण सत्ताधारी पार्टी के करीब 44 लोगों के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है। बिहार के गोपालगंज में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई 13 मौतों से प्रशासन और सरकार दोनों सकते में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां एक और मौत के पीछे जहरीली शराब के कारण से इनकार नहीं किया है, वहीं एसपी रवि रंजन कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए कल नगर थाने के कुल 25 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में नगर थाने के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल है। सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन के बारे में बात करते हुए एसपी रवि रंजन ने कहा, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद नगर थाना के पुलिसकर्मी ने इलाके में कोई जांच या छापेमारी नहीं की, जबकि उनके इलाके खजूरवानी में अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। कल ही पुलिस ने इलाके से 1000 लीटर अवैध शराब को जब्त किया था। पुलिस ने जमीन खोद कर शराब जब्त की। बिहार में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी वाटिका में आयोजित वृक्ष सुरक्षा दिवस के कार्यक्रम में एक पेड़ को सुरक्षा सूत्र में बांधा। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री 27 वर्षीय तेज प्रताप यादव ने किया था, लेकिन वे इसमें नदारद दिखे। आरजेडी प्रमुख के बेटे तेज प्रताप अपने घर के पास टहलते देखे गए। हालांकि उनसे जुड़े करीबी सूत्रों का कहना था कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से वे इस समारोह में शरीक नहीं हो सके। वैसे भी अहम सरकारी कार्यक्रमों में तेज प्रताप के शामिल होने के रिकॉर्ड को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। तुर्की में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में कम से कम 14 व्यक्तियों की मौत हो गई और 220 अन्य घायल हो गए। बम विस्फोटों के लिए कुर्द विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अधिकारियों ने आज बताया कि हमलों में 2 कार बम विस्फोट शामिल थे, जिसे पूर्वी तुर्की में पुलिस थानों को निशाना बनाया गया, जबकि तीसरा विस्फोट देश के दक्षिण
पूर्व हिस्से में सड़क किनारे हुआ, जिससे सैनिकों को लेकर जा रहे एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने कहा कि हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके की ओर से किए गए, जिसने कार बम विस्फोट से पुलिस थानों को निशाना बनाने या सड़क किनारे रखे बम से पुलिस वाहनों पर हमला करने का अभियान शुरू किया था। गत सप्ताह पीकेके कमांडर जमील बाइक ने तुर्की के शहरों में पुलिस के खिलाफ ऐसे हमले तेज करने की धमकी दी थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ।